सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी के सभी। होप करता हूँ सब मज़े में होंगे और सेफ होंगे। तो बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो इस गेम प्ले में मैं एवी अलोन और एक रैंडम बंदा हमारे साथ जॉर्जोपुल में उतरे थे। अब प्लेन पर तो जॉर्जोपुल साइड था, बट इस बार कोई भी स्क्वाड हमारे साथ उतरी नहीं थी, तो हम आराम से लूट करना चालू कर देते हैं। अब ये वीडियो के एंड में आपको बहुत ही अलग स्टैट्स चेंजिंग मूवमेंट देखने मिलेगा, तो एंड तक देखना। यहाँ पे मुझे फ्लेयर मिल जाती है, मैं फ्लेयर सीधा फायर कर देता हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी जोन में थे। अब फ्लेयर हमारी आ चुकी थी, हम फ्लेयर को लूट लेते हैं। अब ड्रॉप में से M249 वगैरह मैं कुछ नहीं उठाता हूँ, सिर्फ MK या फिर AWM उठाता हूँ। अब इस पॉइंट पे मुझे मेरे दोस्त पीछे थंडर का मैसेज आता है, तो थंडर वीडियो शेयर कर देना। अब पीछे जो जॉर्जो सिटी से फायरिंग हो रही थी, तो हम सीधा जॉर्जो सिटी चले गए, बट वहाँ घूमने के बाद भी हमको कोई बंदा स्पॉट नहीं हुआ। अब ऐसा सिटी में कोई बंदा कोई स्क्वाड मिलते ही नहीं, तो हम सीधा आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट निकल चलते हैं पोचिंगी पे। यहाँ पे जैसे हम पोचिंगी में पहुँचते हैं, एक बंदा यहाँ पे अलोन को स्पॉट होता है, वो फायरिंग करता है, बट मैं गाड़ी आड़ी सीढ़ी करता हूँ ताकि किल मुझे मिल जाए, समझ रहे हो। बट अफसोस किल मुझे नहीं मिलता है और एवी जो है अपनी धुन में ही कहीं और आगे ही निकल चला जाता है। अब यहाँ से हम निकलने ही वाले थे कि उतने में अलोन के ऊपर कोई कैंपर फायर करता है और लिटरली उसको नॉक फिनिश कर डालता है। अब बंदे को स्पॉट करने में टेरेस पे आता हूँ और बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है, तो मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट इस गेम में मेरा मूवमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। अब यहाँ पे जो एक बंदा कैम कर रहा था ऊपर बैठ के, तो मैं अपने टीममेट्स को कॉल देता हूँ और जैसे मेरे टीममेट्स आते हैं तो मैं सीधा रश कर देता हूँ। अब जैसे ही एवी आता है हम रश तो कर देते हैं, बट यहाँ पे आके फिर मेरा मोमेंट चिपक जाता है और मैं नॉक हो जाता हूँ। अब वो बंदा जो था वो पीछे से कूद के आ जाता है, बट एवी जो है उसको फाइनली निपटा देता है। यहाँ पे अचानक एक बॉट या बंदा जो भी था मेरे सामने रहता है, तो मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो अलग बंदे पहुँच चुके थे, तो यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, मैं उसको नॉक कर देता हूँ। पीछे उसका टीममेट था, बट मैं जब तक रिलोड करूँ एवी आ जाता है और उस बंदे को नॉक कर देता है। अब नीचे वालों को फिनिश करने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ टेरेस पे थोड़ा बहुत लूट करने के लिए, बट तभी मुझे बॉट की फुटस्टेप सुनाई देती है और मैं बॉट को स्पॉट करते ही फिनिश कर देता हूँ। अब हमको लगा था कि पोचिंग की पूरा खाली हो चुका है, तो बस हम वहाँ से निकलने ही वाले थे कि उतने में एक टेरेस से टीपी वाला बंदा फायर दे देता है। अब यहाँ पे मैं उस बंदे पर रश करने ही वाला था कि मुझे व्हीकल की आवाज़ सुनाई देती है, तो मैं थोड़ा कवर में चला जाता हूँ। बट जैसे ही मुझे 3 से 4 बंदों की फुटस्टेप सुनाई देती है, तो मैं ज़रा पीछे चला जाता हूँ ताकि बंदों की जो एग्जैक्ट पोजिशन निकाल सकूँ। अब यहाँ पे आके मैं बंदों की पोजीशन निकालने की कोशिश करता हूँ, बट मुझे कोई भी बंदा स्पॉट नहीं होता है और उतने में एवी की फाइट हो जाती है, तो मैं डायरेक्ट बंदों पे पुश कर देता हूँ। अब यहाँ पे आई डोंट नो क्या ग्लिच होता है मेरे साथ, मैं वॉल से सीधा चिपक गया था और बिल्कुल मूवमेंट मेरी ब्लॉक हो चुकी थी। बट फाइनली जो है मैं वहाँ से निकल के आगे चले आता हूँ। यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, मैं उस पर फायर करके उसको नॉक कर देता हूँ और फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, पर पता नहीं कितनी बुलेट और खाएगा। अब उस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं ये घर के ऊपर चले आता हूँ ताकि अपोजिट घर के जो बंदे हैं उन पर मैं एंगल बना सकूँ। अब यहाँ पे जो मुझे दोनों बंदे स्पॉट हो जाते हैं, तो मैं एक नेट पुल करता हूँ क्योंकि वहाँ से गन का एंगल नहीं बन पा रहा था, और नेट फेंकते ही वो दोनों बंदे नॉक हो जाते हैं। मुझे लगा एक ही बंदा नॉक हुआ है, इसलिए मैं एक और ग्रेनेड पुल कर देता हूँ सेकंड बंदे के लिए। अब यहाँ पे जो गलती से नंबर 4 के ग्रेनेड से एवी नॉक हो जाता है, तो मैं जो डायरेक्ट वो बंदे के ऊपर पहुँच जाता हूँ #ProTips और उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो उनका आखिरी बच्चा बंदे की मुझे फुटस्टेप सुनाई देती है, मैं उसको हल्का सा डैमेज देता हूँ, बट वो फिर कवर में चला जाता है। मैं उसके पीछे भागता हूँ, तो मुझे पता चलता है वो मेरे साथ गोल गोल रानी खेल रहा था, तो मैं यहाँ से आके उसको सरप्राइज देकर फिनिश कर देता हूँ।
अब यहाँ पे जो अलग बंदे आ जाते हैं तो नंबर चार उन बंदों पे पुश कर देते हैं और उसके पीछे साथ मैं भी आ जाता हूँ, बट तभी मुझे राइट से फुटस्टेप आते हैं तो बंदे को फायर देने की कोशिश करता हूँ, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे जाता है और नंबर चार भी जो है उतने में नॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं बाहर आ जाता हूँ वो बंदे को मारने के लिए, बट एवी जो है उसको अंदर से जाके मार देता है। तो जैसे मैं अंदर जाता हूँ मुझे पीछे से फायरिंग आती है और मैं भी नॉक हो जाता हूँ। अब हील वगैरह लगा के जैसे मैं सामने वाले बंदों पे पुश करता हूँ तो मैं ये घर से उस वाले घर पे कूद रहा था, उसी वक्त मुझ पर लेफ्ट से फायर हो जाता है और ये तो अच्छा है मैं वो सही समय पे प्रोन हो गया, वरना अगर एक और बुलेट पड़ती तो शायद मैं नॉक होकर फिनिश भी हो चुका होता। अब इस पॉइंट पे जो नंबर चार नीचे चला जाता है और वो नॉक होकर फिनिश हो जाता है। मैं सोचता हूँ यहाँ से कोई आएगा बट जब कोई नहीं आता तो मैं आगे चले जाता हूँ सामने वाले बंदों को मारने, बट उतने मुझे फुटस्टेप आते ही कोई बंदा अंदर आ चुका है तो मैं पीछे चले जाता हूँ और बंदे को नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। अब ये पॉइंट तक एवी जो है नॉक होके फिनिश हो चुका था, तो अब मेरी स्क्वाड का बस मैं लास्ट बंदा बचा हुआ था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे सामने वाला बंदा स्पॉट होता है और जैसे ही वो मुझे स्पॉट होता है मैं उसकी तरफ मॉली एक फेंक देता हूँ और वो बंदा जो है उस मॉली से नॉक हो जाता है। अब मैं ग्रेनेड के लिए इस बंदे के क्रेट पे आता हूँ और लकीली मुझे एक ग्रेनेड मिल जाता है जो मैं सोचता हूँ सामने वाले घर पे फेंक दूंगा तो मेरा किल कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद मैं ग्रेनेड जो पुल तो करता हूँ बट ग्लिच होने के कारण ग्रेनेड जो है वो टच होते ही सीधा छूट जाता है और उसी वक्त उनकी मौली आती है, वो तो मैं सही समय वहाँ से निकल गया वरना भी शायद मैं फिनिश हो चुका होता। अब इस पॉइंट पे मुझे यूएस स्पॉट होती है बट वो रिज के उस पार चले गए थे तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, बट जैसे वो मुझे गाड़ी स्पॉट होती है मैं उस पर फायर करके बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब जैसे बाकी बचे हुए बंदों में मैं फायर देता हूँ तभी मुझे आवाज़ आती है कि मेरे घर में कोई कैंपर घुस चुका है, और कैंपर क्यों आप खुद ही देख लीजिए। भाई साहब लिटरली ये बंदा सिर्फ पोजीशन ले खड़ा था कि जब मैं निकलूंगा तब ये मेरे को मारेगा, ये मेरे पे पुश भी नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे हील विल करके मैं बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ बट कोई दिखता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ जोन निकलता हूँ क्योंकि जोन श्रिंक होना चालू होने वाला था। अब बहुत ज़्यादा स्पीड में होने के कारण और हड़बड़ी में होने के कारण गलती से यहाँ पे मैं पेड़ पे गाड़ी को ठोक देता हूँ, बट जल्दी से पीछे निकाल के मैं ऊपर पहाड़ के जा रहा था बट वहाँ बंदे ऑलरेडी आ चुके थे, वो मेरे पे फायर देते हैं और मेरा जो हेलमेट भी है वो डाउन कर देते हैं। तो मैं जल्दी से वहाँ से निकल जाता हूँ और मैं मैप पे चेक करता हूँ अगर कोई घर है तो वहाँ चले जाऊँ क्योंकि हेलमेट लेना बहुत ज़रूरी था, बट कोई घर नहीं था और मुझे तभी ड्रॉप दिखता है तो मैं सीधा ड्रॉप पे ले लेता हूँ ये सोच के कि मुझे हेलमेट और वेस्ट मिल जाएगा वहाँ से। अब लकीली मुझे हेलमेट और वेस्ट तो यहाँ से मिल जाता है बट मुझे एक डर था क्योंकि सामने दो बंदे थे तो मुझे लग रहा था आखिरी एक बचा हुआ बंदा मुझे पीछे से ना आके मार दे। अब यहाँ पे जो ये बंदा बहुत ज़्यादा बज रहा था तो उसको मैं M4 से टैप टैप देता हूँ, वो कवर में जाने के लिए भागता है और मैं खुद शॉट मिस कर लेता हूँ, बट फाइनली उस पॉइंट पर जाके मैं उसको नॉक कर देता हूँ। यहाँ मैं उसके टीममेट पे फायर करता हूँ बट रिज ग्लिच की वजह से उसको कोई भी बुलेट नहीं लगती है। यहाँ पे इसका बंदा फिर थोड़ा ऊपर आता है बट मैं उसको जब फायर करता हूँ तो वापस रिज ग्लिच की वजह से उसको एक भी बुलेट नहीं लगती है। यहाँ पे जो ये बंदा थोड़ा ओपन में आ जाता है तो उसको मैं थोड़े टैग्स दे देता हूँ बट वापस कवर में चला जाता है। अब इस पॉइंट पे वो बंदा फिर से वहाँ से पिक करता है, मैं उसको एक बुलेट देता हूँ उसकी फिर फट जाती है, वो फिर कवर में भाग जाता है। और इस पॉइंट पे मैं अब तक जोन में ही था तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। अब ये बंदा फिर आता है, मैं उसको एक शॉट देता हूँ, वो फिर कवर में चला जाता है। इस पॉइंट पे जो उसका टीममेट मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है और मेरा हेलमेट फिर डाउन हो जाता है। अब इस पॉइंट पे मैं टैप टैप के खेल से परेशान हो जाता हूँ तो मैं बंदे पे सीधा स्प्रे दे देता हूँ बट उसको सिर्फ एक बुलेट स्ट्राइक करती है क्योंकि रेज ग्लिच की वजह से उसकी जितनी बॉडी एक्सपोज हो रही थी रियलिटी में उसका सिर्फ हेड दिख रहा था।
अब इतनी देर मैं जोन में था तो मैं चिलता, बट अब मैं जोन से बाहर हो चुका था और मुझे फाइनल जोन के लिए जोन के अंदर भी जाना था, तो मैं बस एक वेट कर रहा था एक मौके का, और वो मौका मुझे इस पॉइंट पे मिल गया। वो बंदे को मेरा सिर्फ एक टैप पड़ा और फिर मैंने फुल स्पीड में टैप दिया ताकि जब तक वो मूव करे वो नॉक हो चुका हो। अब यहाँ पे मैं जल्दी से जो है बूस्टर मार लेता हूँ ताकि बूस्ट करके मैं फटाफट जोन में निकल सकूँ, और बूस्ट मारते ही मैं उसके सेकंड बंदे की पोजीशन पे थोड़ी बहुत फायरिंग देता हूँ, बट वो बंदा वहाँ से निकल चुका था, तो मैं बस्ट हुए टायर वाली गाड़ी जैसे तैसे लेके आगे निकल चलता हूँ। अब जोन में जो एंटर करने का मैं पहले स्पीड का कवर ले लेता हूँ, बट मुझे लगा कि मेरी पोजीशन एक्सपोज हो सकती है तो मैं थोड़ा ऊपर जाके इस पत्थर के पीछे चले जाता हूँ ताकि वहाँ से मैं इनके तरफ एंगल बना सकूँ। अब यहाँ मैं फिलहाल होल्ड करके रखा हुआ था, बट तभी मुझे उसका एक बंदा आते हुए दिखता है, तो मैं तैयार हो जाता हूँ उस बंदे को नॉक करने के लिए। अब बंदा बहुत पास में आ चुका था, बट मैं मुंह पे उसके नहीं गया क्योंकि मेरा हेलमेट जो था बहुत ज़्यादा डाउन हो रखा था, बट बंदा वापस ऊपर जा रहा था तभी मैंने उस पर फायर देकर उसको नॉक कर दिया। इस पॉइंट पे मुझे उसका टीममेट भी स्पॉट होता है, मैं उसके तरफ भी थोड़ी बहुत फायरिंग कर देता हूँ। अब इस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं डायरेक्ट उन पे पुश करूं या नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था जो उनका सेकंड बंदा था वो होल्ड करके बैठा हुआ कहीं पे या फिर उन बंदे को रिवाइव दे रहा होगा, बट मैं सोचता हूँ चलो रश करके देख लेते हैं। तो मैं आराम आराम से देख देख के ऊपर जा रहा था और तभी मुझे बंदा स्पॉट हो गया, उसने फायर दे दिया और वो फिनिश हो जाता है, और एक ईजी नहीं कह सकते बट हाँ अनबिलीवेबल चिकन डिनर। सो अगर गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इच्छा होगी तो शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।